तो बच्चों कंटिन्यू करें हम लोग क्वेश्चंस को, पीजीबीपी के क्वेश्चन नंबर 3 पे कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए पहले, बिना पैनिक हुए पहले सवाल को पढ़िएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके देखो, अब हम रीड करते हैं, ध्यान से सुनो। कहता है मिस्टर राजेंद्र कुमार एंड सन इज अ व्हीट मर्चेंट, इनका गेहूं का व्यापार है बच्चों, बिजनेस है। दे हैव एन एजेंसी, इनके पास दो चीजों की एजेंसी भी है, एक साबुन एक ऑयल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इनके पास दो जगह से, सॉरी तीन जगह से इनकम आ रहा है, व्हीट गेहूं साबुन की एजेंसी से और ऑयल एजेंसी से। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, देखिए कहता है कमीशन रिसीव फ्रॉम सोप कंपनी, सोप कंपनी से इनको टोटल इनकम आया है कमीशन के रूप में 40,000। कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम ऑयल कंपनी कितना बच्चों, 50,000। वेरी गुड, दो इनकम हो गया। कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी ऑफ ऑयल बिजनेस, ऑयल बिजनेस की इनकी कोई एजेंसी है जिसका टर्मिनेशन हुआ है, तो इनको मुआवजा दिया गया है 1,00,000 रुपए। भैया वो भी बिजनेस का ही पार्ट है, तो बिजनेस में ऐड हो जाएगा। तो अभी तक हमें टोटल तीन इनकम दिखा बच्चे, एक जो साबुन की कंपनी से इनकम आया, एक जो ऑयल कंपनी दे रही है कमीशन, और एक जो कॉम्पनसेशन मुआवजा मिला वो। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 500 ऑफ व्हीट वेयर परचेस्ड फॉर 2,50,000। बच्चों इनके गेहूं के बिजनेस का डिटेल हमें बता रहा है और कह रहा है कि इन्होंने 500 बैग मतलब 500 बोरी गेहूं खरीदा है 2,50,000 रुपए में, जिसमें से इन्होंने 400 बैग बेच दिया है 2,40,000 रुपए में। तो इसका मतलब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है, सोच के देखिए आप, हम 500 बैग परचेस कर रहे हैं, 400 बैग सेल कर रहे हैं, तो 100 बैग क्लोजिंग है ना, बिल्कुल। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि शॉप एक्सपेंस मतलब इनका जो व्हीट का बिजनेस है उस दुकान का टोटल खर्च है 26,500 रुपए। वेरी गुड, तो क्यों ना हम सबसे पहले वर्किंग नोट कर लें और व्हीट बिजनेस का इनकम निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ओके तो सबसे पहले आप देखो हम वर्किंग नोट करेंगे, और आप इसको नोट कर लेना क्योंकि हम इसको इरेज कर देंगे बाद में। वर्किंग नोट तो क्या निकाल लें भैया, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका बना लेते हैं बच्चों, व्हीट बिजनेस, व्हीट बिजनेस गेहूं का जो बिजनेस है इसका। देखो जरा हम थोड़ा सा शॉर्टकट में आएंगे, आप पार्टिकुलर अमाउंट वगैरह तो लिख ही सकते हो ना, एटलीस्ट इतना टू परचेज। तो भैया मेरे हमने टोटल गेहूं इन्होंने कितने का खरीदा है, 2,50,000 रुपए का। वेरी गुड, लिख दिया। इन्होंने सेल भी तो किया है, हाँ सर बिल्कुल, इन्होंने सेल किया है 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक भी है कहां सर, अरे बच्चे आप बताओ 500 बैग इन्होंने परचेस किया, कितना बैग परचेस किया, 500 बैग परचेस किया 500 के रेट से, तो टोटल परचेस कॉस्ट 2,50,000। लेकिन सेल तो 400 बैग किया है ना, 400 बैग, तो भैया मेरे 100 बैग तो बच ही रहा है, 100 बैग इंटू 500 रुपीज, तो टोटल हो गया 50,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का हो गया, 50,000 का। और इनके शॉप का एक्सपेंस कितना लगा है, अब देखो तुम क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, 26,500। आइए टोटल करते हैं, ये हो गया हमारा कितना, 2,90,000। यहां भी होना चाहिए 2,90,000। आओ डिफरेंस निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर, लीजिए 13,500 का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब किनके अकॉर्डिंगली, इस पर्सन के अकॉर्डिंगली। इनका नाम क्या था, इनका नाम था राजेंद्र कुमार, तो राजेंद्र कुमार के अकॉर्डिंगली बच्चों इनका नेट प्रॉफिट कितना निकला है, नेट प्रॉफिट एज पर वीट बिजनेस 13,50,000। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइए, अब देखिए क्या क्या नाटक है। कहता है ऑन एन एग्जामिनेशन बाय एन आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर ने जब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिन किया तो उनको देखिए क्या क्या गलतियां मिली। उनको पहला गलती मिला, एक्सपेंस ऑफ 4,500 ऑन मैरिज ऑफ राजेंद्र सन्स। वाह, मतलब कि इन्होंने अपने बेटे की शादी की और इनके बेटे की शादी का एक्सपेंस इसमें इंक्लूड है, कितना, 4,500। अब सोचो तुम, अगर 4,500 इन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर्सनल पारिवारिक खर्चों को यहां इंक्लूड कर रखा है तो प्रॉफिट भी तो गलत आ रहा है ना, बिल्कुल प्रॉफिट गलत आ रहा है ना। अच्छा शांति से सोचो एक बार, रिलैक्स होके। ऑनलाइन वाले बच्चे, व्हीट बिजनेस का टोटल मुनाफा हमने निकाला 13,500, लेकिन जब इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जामिन करता है तो पता चला कि ये 4,500 एक्सपेंस जो इन्होंने अपने बेटे की शादी में किया वो इस 26,500 का पार्ट था।
तो इसका मतलब आप एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, तो एक्सपेंस जब आप बढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट आपका घट रहा है, ये 13,500 गलत प्रॉफिट है, इसको सही करना होगा। अगले पॉइंट पे आइए, 2700 का इन्होंने कैलेंडर और डायरी बांटा है। भैया कोई दिक्कत ही नहीं, बिजनेस के लिए कैलेंडर और डायरी बांटना कोई गुना नहीं है तो वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकम टैक्स को। 1300 बीइंग रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, अब आप देखो 1300 रुपया यानी कि 1300 रुपीज इन्होंने अपने घर का रिपेयर किया और घर के रिपेयर के खर्च को 26,500 में इंक्लूड कर दिया। आपको नहीं लग रहा है आप एक्सपेंस को बढ़ा दिए, तो जब आपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट घट गया, इसको सही करना होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंटरटेनमेंट। चलो भैया इंटरटेनमेंट बिजनेस का पार्ट है। अब आप सोच रहे होगा कि इंटरटेनमेंट का मतलब घूमना फिरना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत है, या काउंट ये इंग्लिश के अकॉर्डिंगली सही है बट टैक्स में ऐसा नहीं होता। देखिए इंटरटेनमेंट होता क्या है, मैंने ऐसे आपको पढ़ा रखा है सैलरी में बट फिर से बताता हूं। जब हम लोग किसी दुकान किसी शॉप जाते हैं, आपने नोटिस किया बच्चों, जब हम लोग किसी ज्वेलरी शॉप जाते हैं तो भैया वहां सबसे पहले पूछा जाता है कोई चाय कॉफी ठंडा लेंगे। तो जब हम अपने कस्टमर के स्टाफ एम्प्लॉय पर इसी तरीके से कुछ खर्च करते हैं ना, उसे इंटरटेनमेंट कहा जाता है। कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया, उसे चाय पिलाया, पानी पिलाया, हो सकता है बहुत अच्छे कस्टमर है तो लंच भी करवाते हैं उनको हम, तो ये हो जाता है ना सर। आते हैं नेक्स्ट, पेनाल्टी 2300 इंपोज्ड फॉर ब्रिंग गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम। वाह देखिए इन्होंने कितना बड़ा गलती किया, कस्टम लॉ का इंफ्रिंजमेंट कर दिया, कस्टम लॉ का वायोलेशन कर दिया, तोड़ दिया और 2300 रुपए इनके पॉकेट से लगा है और उसको इन्होंने यहां एडजस्ट कर दिया। आपको क्या लगता है अगर इनकम टैक्स इसी तरीके से कानून व्यवस्था तोड़ने के खर्चों को पेनाल्टी को अलाउ करने लगेगा तब तो समाज में बढ़ावा मिल जाएगा ना, लोग इसी तरह से लॉ तोड़ेंगे और सोचेंगे अरे क्या जा रहा है, पैसे लगेंगे, फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, पीएल पे बिठा देंगे। इनडायरेक्टली तो आप कानून व्यवस्था को बेकार कर दोगे ना, इसीलिए किसी भी तरह का पेनाल्टी वगैरह अलाउड नहीं होता। आगे आते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स किस लिए, सॉरी एडवांस पेमेंट आपने किया है टाइपराइटर के लिए। बच्चों इनकम टैक्स एडवांस पेमेंट पे नहीं चलता, एक्चुअल एक्सपेंस पे चलता है। भैया टाइपराइटर खरीद कर अगर आ जाता हम उसको इस साल का खर्च मान लेते, आप इस साल के लिए नहीं ले रहे हो, फ्यूचर के लिए ले रहे हो, एडवांस में पेमेंट किया है इस साल हम नहीं मानेंगे। तो कितना है हमारा एडवांस पेमेंट 2500। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये चारों एक्सपेंस डिसअलाउड था, डिसअलाउड एक्सपेंस है मतलब इनकम टैक्स के नजर में ये खर्च है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात आप जानते हो ये चारों एक्सपेंस यहां इंक्लूड था, मतलब ये जो तुम प्रॉफिट ये जो एक्सपेंस लिखे ना 26,500 इस एक्सपेंस में ये चार एक्सपेंस है जिस जो इनकम टैक्स इसको एक्सपेंस नहीं मानता है, इनकम टैक्स के नजर में ये खर्च है ही नहीं। तो भैया मेरे जब ये खर्च नहीं है तो ये भी तो गलत आया होगा, अब इसको सही करना होगा। तो विजिबल है ऑनलाइन में, हम यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ व्हीट बिजनेस, व्हीट बिजनेस। तो भैया नेट प्रॉफिट एज पर पीएल कितना आया हमारा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया है 13,500। वेरी गुड, अब तुम ऐड कर दो डिसअलाउड एक्सपेंस को, ऐड कर दो डिसअलाउड एक्सपेंस। कौन कौन सा डिसअलाउड एक्सपेंस था ये देखो, 4500 जो अपने बच्चे के मैरिज के लिए आपने लगाया, और 1300 ये क्या था बच्चे, 1300 का कौन सा एक्सपेंसेस का कोई नाम था, हाँ रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वेरी गुड। और पेनाल्टी कस्टम लॉ तोड़ा था आपने, पेनाल्टी, और 2500 आपका एडवांस पेमेंट। लो अब इसको जोड़ दो तो देखो एक्चुअल इनकम आ जाएगा आपका 24,100। जोड़ के देखते हैं, 13,500 प्लस 4500 प्लस 1300 प्लस 2300 प्लस 2500, ये आ गया हमारा 24,100। तो बच्चे मेरे यानी कि प्रॉफिट एज पर वीट बिजनेस हमारा टोटल कितना हो रहा है 24,100। तो हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, आप यहां पर वीडियो को रोकिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जो क्लास में बैठे हैं वो लिख लीजिए, पहले आप इतना पोर्शन नोट डाउन कीजिए फिर हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये रफ वर्क था, ये वर्किंग नोट था। तो देखिए बच्चों वीट बिजनेस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बोर्ड इरेज कर दिए हैं, तो हम लोगों का कितना आया था वीट बिजनेस का टोटल 24,100 रुपए आया था ना। चलो
आ जाओ। तो अब हम इनका टोटल इनकम निकालते हैं, तो कहां कहां से इनकम आया। सबसे पहला इनकम कमीशन आया था सोप बिजनेस से। आप क्वेश्चन पे देखो, चलो हम लोग लिख देते हैं भैया कमीशन फ्रॉम सोप बिजनेस। तो कंपनी ने इनको टोटल कमीशन कितना दिया है, तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन पे 40,000। आप लोग चेक कर लो तो हम सही अमाउंट लिख रहे हैं ना। उसके बाद देखिएगा कमीशन कहां से मिला भैया, तो कमीशन मिला हमें ऑयल बिजनेस से। इनको कितना कमीशन मिला है, शायद 50,000, और 1,00,000 रुपीज कॉम्पनसेशन भी मिला था। कॉम्पनसेशन मिला था 1,00,000 रुपीज, लीजिए वो भी हमने लिख दिया। और वीट बिजनेस तो हम कैलकुलेट कर ही चुके थे। चलिए इनकम फ्रॉम वीट बिजनेस, तो चलिए वीट बिजनेस से हमारा टोटल इनकम कितना आया था बच्चों, 24,100। याद है ना बच्चों पहले क्या किया मैंने, पहले पीएल बनाया था वीट बिजनेस का, याद करो आप। उसके बाद 26,500 में वैसे एक्सपेंसेस जो गलत घटाए गए थे उनको वापस जोड़ दिया। उसमें क्या क्या मिला था आपको याद दिला देते हैं। इनके बेटे का मैरिज एक्सपेंस था, वो डिसअलाउड एक्सपेंस था। घर के रिपेयर का खर्चा डिसअलाउड था, कस्टम पेनाल्टी डिसअलाउड था, और एडवांस पेमेंट टाइपराइटर का वो डिसअलाउड था, उसको हमने जोड़ दिया था। अब इसको टोटल करते हैं, चलिए कैलकुलेटर उठाते हैं और टोटल किया जाए। तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 24,100, ये आ गया बच्चों 2,14,100। वेरी गुड, लिख देते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम या टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस। चलिए टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम टैक्स इनसे इस इनकम पर टैक्स मांगेंगे। होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना रहे थे बच्चों। ओके ठीक है फिर, थैंक यू।